अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है परफ्यूम बिवारी कंपनी है और उसका नाम आइजिया है और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैंने एक ऑनलाइन देखी है, कंपनी बिवारी के नाम से है और कोई मेरा इनसे ताल्लुक़ वगैरह नहीं, मैंने कांटेक्ट भी नहीं किया इनका। मैंने ऑनलाइन देखा था तो मैंने सुना था कि मैंने सुना था कि इसमें कि ये कंपनी 2008 से बनी हुई है और दुबई में है और ये रेप्लिका परफ्यूम्स बनाते हैं। तो उसका मसला ये होता है कि मैंने ये परफ्यूम बाय किया, ये देखें, ये उनका है, बिवारी वालों का आइजिया है। ये मैंने इसलिए ख़रीद लिया कि ये रेप्लिका परफ्यूम्स बनाते हैं और ये कंपनी 2008 से दुबई में है और मैं पिछले साल पाकिस्तान में भी इन्होंने अपना शोरूम खोल लिया एंड दे डिलीवर टू यू। और ये मैं 3000 का है, तकरीबन 3000 के अंडर ये है ये परफ्यूम। एंड आप बॉक्स भी देख लें, बॉक्स से भी ये लगता है कि आइजिया मैकी का जो बॉक्स है उसका नकल की है। बेसिकली आइजिया मैकी का बॉक्स तो बहुत बड़ा होता है इसके। अगर मैं लिंक में आपको छोड़ दूंगा, आपने जो मैं आइजिया मैकी की अनबॉक्सिंग की हुई है वो मेरा डेली वेयर है, तो मैंने कहा चलो इनको देखते हैं कि ये कितना। तो लेट्स स्टार्ट विद द बॉक्स फर्स्ट। ये बॉक्स मैं आपको दिखाया था, ये कैसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेपराइजर नेचुरल स्प्रे 100 ml, साइड पे प्लेन है, पीछे इन्होंने अपना लिखा हुआ है व्हाट डू यू कॉल इट, मैं उसको तुम कर लो, हाँ, कि बवारी परफ्यूम्स कलेक्शन ऑफ इंप्रेशन, एंड ये पढ़ लें सारा, दो तीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ए बवारी भी लिखा हुआ है बीच में। होम डिलीवरी के साथ था, अगर आप 5000 रुपये के ऑर्डर करेंगे चीज़ें तो मैं दो परफ्यूम मंगाए थे तो मैं डिलीवरी फ्री मिली थी। यार मैनुफेक्चरिंग डेट लिखी हुई है कि 1/1/23 है कि डेट मैनुफेक्चरिंग, 28 में एक्सपायर होना है। ये बाकी उन्होंने चीज़ें आप देख सकते हैं, रोक फ्रीज करके देख लें। तो हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने ये देखना है कि हाउ मच ऑफ अ कलोन इज़ इट टू द परफ्यूम जो मैं रोज़ाना लगाता हूँ। तो सही, ये बॉक्स है, कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल सा मैच किया। देखिए बोतल अंदर कैसी बनाई है इन्होंने। अच्छा, बोतल इनकी सिंपल है, कोई नथिंग बिग टू वाइट अंदर कुछ नहीं है। और इम्प्रेशंस बाय बवारी आइजिया ओड परफ्यूम, ओड टॉयलेट होता है बेसिकली। तो ये इसकी है बोतल, आप इसका कैप देख सकते हैं, ये ऐसा कैप है, घटिया प्लास्टिक का कैप है, कोई बड़ी ख़ास बात नहीं है, मैग्नेटिक नहीं है ये। तो वेपराइजर आप इसको देख सकते हैं कि इसका सिल्वर रंग का वो ग्रे वेपराइजर है। खुशबू चला के देखते हैं कैसी है इसकी। अच्छा, ये इन्होंने कोशिश तो की है आइजिया मैकी रिटेलर की है और मेरा अपना ख्याल है सब 50-60% ये वो है उसका क्लोन है, एग्जैक्ट क्लोन नहीं है। लॉन्गजिविटी वगैरह मैं सिलेज वगैरह मैं इसका अपडेट कर दूंगा नीचे बाद में जब मैं स्कोरिंग करता हूँ, मगर ऑन द फर्स्ट वेव जो है ना, पहली वेव तो बिल्कुल डिफरेंट लगती है, उस तरह का लगता है इट्स मोर ऑफ अ ये परफ्यूम एज कम्पेयर टू आइजिया मैकी रिटायलेट परफ्यूम के उसके मुकाबले में ज़्यादा ज़्यादा ये जो ना अर्थी है बीच में, तो थोड़ा स्मेल डिफरेंट आती है बीच में, एग्जैक्ट वो कवरेज बीच में नहीं आ रही। तो वो जो है खुशबू वैसी बिल्कुल नहीं है, ड्राई डाउन में थोड़ा सा स्ट्रांग है, मगर इट्स नॉट, मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा 50% कलोन ही है उसका, इतना अच्छा कलोन नहीं है ये। मैंने से अच्छे कलोन जो हमारे पाकिस्तानी लड़के या लोग बना रहे हैं वो ज़्यादा कलोन है। मैं तो ये बोतल की रैपिंग वगैरह की वजह से उसमें फंस गया था। तो ये मेरा अनबॉक्सिंग, ये जो है जो ओरिजिनल फ़ोटो मैं लगा दूंगा परफ्यूम की भी और उसके जो वो है, मगर आइजिया मैकी का इन्होंने इंप्रेशन लिया हुआ और ये वो नहीं है। इवन जो उसका ड्राई डाउन है उसमें भी मुझे जहर में की खुशबू नहीं आ रही और मुझे वेरी डाउटफुल कि इसका वो भी अच्छा होगा, लॉन्गजिविटी और स्लेज भी मुझे नहीं ज़्यादा लग रहा इसका बीच में। सो ये इनका प्रश्न था। एक और परफ्यूम भी है इनका, मैंने उसकी भी बैन वो ख़रीद लिया था मैंने, मगर फॉर दिस एट द मोमेंट ये इट्स नॉट अ गुड क्लोन, इट्स अ वेरी वीक क्लोन, 50% का क्लोन है, मुश्किल से मैं कहूँगा 50% कहूँगा, 50% ऊपर ही दे रहा हूँ। तो नथिंग टू राइट होम अबाउट, बस नॉर्मल ही है। 3000 की कीमत में से अच्छे लोग बना रहे थे बीच में। तो दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ बवारीज इम्प्रेशन ऑफ आइजिया मैकी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, शुक्रिया।